और हमारा अपना ओपिनियन है कि अभिनेता में चार वर्ड लगा हुआ है, तो चार वर्ड में दो को वर्ड छोड़ के नेता में क्यों लोग जाते हैं? नहीं जाते, कलाकार को कलाकार में रहना चाहिए। मोहन सिन्हा के सामने पवन सिंह जो भी हो वो जानने के लिए सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह में और शत्रुघ्न सिन्हा में कितना का फर्क हो सकता है। उनको नहीं लग रहा था कि उसमें पूरा बिहार भी उनको अच्छी तरह जानता होगा, लेकिन फिल्म बनने के बाद धीरे धीरे वो प्रगति पर आगे बढ़ते चले गए। यही पंडितवा है जिसका पवन सिंह ने 500 रुपया छीन लिया है, मैंने हड़प लिया, बुर्बक बना लिया। दुर्भाग्य मान रहे हैं कि जो हम लोग को मिलने वाला था डिग्री के, हाँ भाई पहली फिल्म पवन सिंह ने हम लोग का किया। नमस्कार प्रणाम, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी, जिनको कि फिल्म के लाइन में लाने वाले, आज हमारे साथ सत्येंद्र स्नेही जी बैठे हुए हैं। कहा जाता है ना कि नया नया अगर किसी को रोल दिया जाए या फिर किसी को एंट्री कराया जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और पवन सिंह जी का जो पहला मूवी था वो दूसरा मूवी कैसे बन गया, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं सत्येंद्र स्नेही जी से। एक बात जानना चाहेंगे, पवन सिंह जी का पहला फिल्म कौन था? आपसे इसलिए पूछने जा रहा हूं क्योंकि लोगों के मन में ये आता है कि पवन सिंह जी का पहला मूवी है रंगली चुनरिया तोरे नाम, लेकिन आप सही सही बताएंगे कौन सा उनका पहला मूवी शूट हुआ था। फिल्मी कैमरा पवन सिंह ने अखिया लड़िए गल से फेस करना शुरू किया है पहली बार। हाँ, पहली बार मैंने फिल्म कैमरा, फिल्म क्षेत्र का जो भी रील उनका बना उनके ऊपर, वो पहला अखिया लड़िए गल का था। गाना का करीब करीब 90% फिल्म शूटिंग शूट भी हो गया था, एडिट वगैरह चल गया हो गया था। बीच में दो गाना पिक्चर का रुका हुआ था, उसी बीच वेव कंपनी से वो पहले से जुड़े हुए थे, वो लेके गए कि कुछ गाना हमारा बाकी रह गया है करने दिया जाए, मैंने चले गए करने के लिए। उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया, हम लोग का डेट भी रिलीज का निकल गया, पोस्टर पर सब आउट हो गया कि पवन सिंह की पहली भोजपुरी फिल्म आने वाली है, अखिया लड़िए गई इतना तारीख को प्रदर्शित हो रही है, और दुर्भाग्यवश मैंने आने में उनको विलम्ब हो गया तो हम लोग का पिक्चर दूसरे नंबर पर चला गया, एक नंबर पर नहीं रिलीज हो सका। मतलब साजिश के तहत जो मूवी पहली बन रही थी अखिया लड़िए गई बन, उनके पूरा तैयार था, केवल दो गाना शूट का बाकी था, सेटअप भी लगा हुआ था, लेकिन उनको किसी साजिश के थ्रू कहीं बुला लिया गया, 15 दिन वहीं पर रोक दिया गया, जिसके चलते जो फिल्म अखिया लड़िए गई पहला होना चाहिए था वो फिल्म दूसरा बन गया, और पहले रिलीज किया गया रंगली चुनरिया तोहरे नाम की। अब उसको आप साजिश कर रहे हैं, हम साजिश नहीं मान रहे, हम अपना दुर्भाग्य मान रहे हैं कि जो हम लोग को मिलने वाला था डिग्री के, हाँ भाई पहली फिल्म पवन सिंह ने हम लोग का किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग का नहीं हुआ। हम लोग सेटअप लगा होगा तो एक तरीके, जहाँ पे यहाँ पे सेटअप मान लीजिए लगेगा तो बता के लगता है ना कि ये यहाँ 6 दिन का सेटअप है, आपका काम है 6 दिन, उसके बाद अपना नया प्रोजेक्ट जो भी होगा करिएगा। तो आपने सेटअप लगवा दिया था, उसके बाद से पवन सिंह जी चले जाते हैं, फिर आते हैं 5-6 दिन बाद, 15 दिन बाद। हाँ, कुछ विलम्ब हुआ, आने में विलम्ब हो गया, जिसके वजह से हम लोग का रिलीज का डेट घबराने लग की स्थिति में आ गया, तो फिर वो गाना हम लोग विनय आनंद पर शूट कर दिए, शूट करके पिक्चर को हम लोग रेडी कर दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग का रिलीज हुआ सेकंड। उसी बीच एक मूवी रिलीज हो जाती है पवन सिंह जी की रंगली चुनरिया तोहरे नाम वाली। जी जी, रिलीज हो गया उनका, हम लोग सेकेंड पर आ गए। अच्छा, पवन सिंह जी जब आप शूट कर रहे थे उस समय क्या पवन सिंह जी पावर स्टार के नाम से जाने जाते थे? नहीं, उस समय लोक गायक के रूप में विख्यात थे, फिल्म के नाम में तो अभी उनकी चर्चा नहीं थी, उस समय बहुत कम लोग जानते थे। जो लोग कैसेट सुनते होंगे बिहार के क्षेत्र में, जिन भी क्षेत्र में सुनने वाले होंगे, हमको नहीं लग रहा था कि उस समय पूरा बिहार भी उनको अच्छी तरह जानता होगा, लेकिन फिल्म बनने के बाद धीरे धीरे वो प्रगति पर आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, उस समय जो पवन सिंह का अभी के डेट में जो क्रेज है, पवन सिंह आते हैं तो लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ करो लग जाती है, तो क्या उस समय भी जब शूटिंग चलता था तो क्या भीड़ पूरी चारों तरफ से लगती थी, या फिर उस समय नए नए अभी पवन सिंह जी की मान कहा जाए कि धमाकेदार एंट्री होने वाली थी भोजपुरी इंडस्ट्री में? हम लोग जुहू चौपाटी पर एक गाना शूट कर रहे थे, उसका टाइटल सॉन्ग, संडे का दिन था, भीड़ इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि भीड़ को हटाते हटाते प्रशासन भी थोड़ा परेशान हो गया। लास्ट में हम लोग 4 अंतरा का गाना था, 1 अंतरा हम लोग को काट देना पड़ा, 3 दिन। मतलब बॉम्बे में? हाँ, बॉम्बे में पावर स्टार का ये क्रेज था कि इतना भीड़ लग गया जो बीच पे कि वहाँ से लोगों को हटाना पड़ा, प्रशासन को इंटरफेयर करना पड़ा था। गाना सुपरहिट गाना था, पिक्चर का वो गाना सुपरहिट था, इंजॉय मैंने पूरा रोमांस से भरा हुआ गाना था, इसलिए लोग इंटरेस्ट लेकर के, और चूंकि भोजपुरी हिंदी से मिलता जुलता वर्ड है और बहुत सारे लोग वहाँ रहते भी हैं, मुंबई लोग रहते भी हैं, और जो भी थोड़ा हिंदी जानते हैं वो भोजपुरी अच्छी तरह जान लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा क्रेज भीड़ ज़्यादा बढ़ गया था। अच्छा, उस मूवी के बाद से ऐसा क्या हुआ कि आप
आप उनके साथ नहीं दिखाई दिए फिर से, अभी वो बहुत दूर निकल गए या फिर कुछ और वजह थी? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम अपना टाइम टू टाइम वहाँ जाते थे काम करने, अपना मेरा जो बेस है यहाँ वो बेस को छोड़ करके नहीं जाते थे काम करने। फिर मेरे दोस्त एक पिक्चर बनाए लागल नथुनिया के थक्का, तो उस पिक्चर में भी हम एक वैद्य जी का मैंने मेजर रोल में हम नज़र आएंगे उसमें पिक्चर में भी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने समय के साथ साथ कोरोना आ गया, कोरोना कुछ डिस्टर्ब कर दिया फिल्म लाइन को, तो फिर कोरोना के बाद अब फिर जाने की तैयारी में है, बॉम्बे की तैयारी में है अभी। तो फिर से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जाने वाले हैं? जी हाँ, दो प्रोजेक्ट अभी हाथ में मेरे हैं, वो मेरे ही हाथ में है, उसको जब चाहेंगे तब करेंगे। तो अभी थोड़ा सा परिवार को एस्टेब्लिश करने में लग गए हैं, कर लेंगे उसके बाद बॉम्बे निकलेंगे फिर। अच्छा एक बात जानना चाहेंगे, जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि उस फिल्म में, पूरे फिल्म में आपकी भूमिका क्या रही थी? मैंने फिल्म में एज ए आर्टिस्ट तो बहुत कम, थोड़ा सा एक आध शॉर्ट में है फिल्म में, अभिनय से चूँकि लगाव शुरू से था, लेकिन इस फिल्म में हम एज ए निर्माता हैं, फिर भी दो सीन मैंने किए हुए हैं उसमें, लोग पहचान मिल गया उसमें भी। एक पंडित जी की भूमिका किए हैं 29 मिनट के आसपास में है, और जहाँ भी हम गए वहाँ लोग देख कर बोले कि अरे यही पंडितवा है, यही पंडितवा है जिसका पवन सिंह ने 500 रुपया छीन लिया है, मैंने हड़प लिया, बुर्बक बना लिया है। उस समय फिल्म का बजट क्या रहा होगा? हम लोग का फिल्म में थोड़ा कास्ट महंगे महंगे कास्ट थे, शक्ति कपूर थी, उपासना सिंह थी, और सारे जो भी थे नॉन कास्ट थे, इसलिए बजट हम लोग का कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। फिर भी क्योंकि लोग देखे, लोग के मन में बैठा रहता है ना कि भोजपुरी मूवी है तो कम बजट की मूवी होगी। हम लोग का ड्रेस, स्टूडियो, कॉस्ट्यूम, कैमरा, लाइट सब पर हमने कहीं भी भोजपुरीपन का प्रभाव नहीं दिया है। उसमें जो भी हिंदी का होता है, भले लागत कास्ट का जो हो, लेकिन हिंदी की तरह ही लाइटिंग वगैरह सब करके काम किया गया है। स्टूडियो भी महंगा महंगा लिया गया है, मैंने करीब करीब 7-8 स्टूडियो का हम लोग इस्तेमाल किए हैं, न कि एक ही स्टूडियो में करके काम नहीं किया है, अलग अलग। पनवेल में एक महंगा स्टूडियो है, वहाँ काम किए 7 दिन, फिर बॉम्बे के कई क्षेत्रों, कई माने फिल्म सिटी जैसे फिल्म स्थान ऐसे वैसे सब माने लोकेशन चेंज करने के चलते हम लोग का बजट जो है कुछ ज़्यादा भाग गया था। अच्छा उस समय पवन सिंह जी का व्यवहार कैसा था, क्योंकि फिल्म लाइन में नए नए एंट्री कर रहे थे, तो कैसा व्यवहार था उनका? व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहार आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा था। अब भले वो कुछ पारिवारिक व्यक्तिगत उलझनों में उलझ गए हों, उसके लिए हम लोग उसमें उनको कोई दोषी नहीं देंगे, लेकिन कला के क्षेत्र में ठीक है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर आज भी बरकरार है, आज भी उनका कोई भी गाना जो है अच्छा क्लिक कर रहा अच्छा है। अच्छा अब तो पॉलिटिक्स में आने वाले हैं, देख रहे होंगे कि आए दिन न्यूज, आसनसोल से उनको बीजेपी से टिकट भी मिला, लेकिन फिर से वो खुद से ही मना करते, बताइए बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है जिससे लोग टिकट लेने के लिए पूरा तैयार रहता है कि हम कहीं से भी टिकट मिल जाए, बीजेपी से हम तो लड़िए लेंगे, लेकिन बीजेपी का टिकट मिलने के बाद उन्होंने मना कर दिया अगले दिन कि नहीं हम बीजेपी से आसनसोल से टिकट नहीं लड़ेंगे। अब उसके पीछे हम तो राजनीति से बहुत कम जुड़े हुए हैं, जहाँ तक वहाँ तृणमूल कांग्रेस का राज्य पहले से साम्राज्य है, और शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह जो भी हो वो जानने के लिए सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह में और शत्रुघ्न सिन्हा में कितना का फर्क हो सकता है, हो सकता है इसके चलते वो इनकार किए हों, ये उनका कुछ व्यक्तिगत मामला होगा। अच्छा ये भी आ रहा है न्यूज़ में कि आरा से लड़ने के लिए आसनसोल से पवन सिंह जी ने टिकट को मना कर दिया है, कुछ ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है? सुनने में आ रहा है, जहाँ तक तो हम लोग से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा सुनेंगे बाज़ार में, चूँकि आप लोग मार्केट में हर जगह न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, और हमारा अपना ओपिनियन है कि अभिनेता में 4 वर्ड लगा हुआ है, तो 4 वर्ड में 2 वर्ड छोड़ के नेता में क्यों लोग जाते हैं? नहीं जाते, कलाकार को कलाकार में रहना चाहिए। अब वैसे अपना एक शौक है, शौक को पूरा करने के लिए भगवान। अच्छा, आप पवन सिंह को एज ए नेता देखना चाहते हैं कि या फिर अभिनेता? पवन पर्सनल विचार, हाँ पवन सिंह के पिताजी से हमारा पर्सनल, हमारे एक भतीजा का पर्सनल संबंध था बहुत पहले से, मैंने अच्छा दोस्ती था दोनों में, तो हम लोग दोस्ती के नाते पवन मेरा नाती हो गया, रिश्ता में पोता हो गया, तो हम उसको आज भी अपने बच्चे की तरह मानते हैं और भविष्य में भी मानते रहेंगे उसको। तो नेता अजय देखना चाहते हैं कि अभिनेता देखना चाहते हैं? हम अपने बच्चा के रूप में उसको देखना चाहते हैं कि जहाँ रहे खुश रहे, लोगों के बीच में उसकी प्रशंसा होती रहे, हम यही चाहेंगे। अच्छा उनका गाना अभी जो आता है वो सुनते हैं कि नहीं? गाना तो बाजार में कहीं भी निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका गाना सुनने को मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा जब भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से आने वाले हैं, आप बोल रहे हैं कि फिर से हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगे, तो क्या पवन सिंह जी को प्रोजेक्ट, पवन सिंह जी का प्रोजेक्ट लेके आएंगे या फिर किसी नए कलाकार पे अगले बार? अब वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हम अकेले करने वाले नहीं है, हो सकता है हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े,
और उसके बाद सबकी सहमति जो बनेगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सत्येंद्र स्नेह जी को, जिन्होंने पवन सिंह जी की पहली फिल्म जो थी उनको शूट किया। भले ही वो फिल्म दूसरी रिलीज फिल्म है, उसके पहले रंगली चुनरिया तोरे नाम रिलीज हो गई, लेकिन अखिया लड़े गई पहली फिल्म है जिसके थ्रू पवन सिंह जी भोजपुरी इंडस्ट्री का आ जाए या भोजपुरी फिल्म लाइन में बोला जाए उनमें कैमरा जो फेस होता है वो पहली बार किए थे तो अखिया लड़े गई मूवी से, जिसके निर्माता जो हैं वो हमारे साथ बैठे हुए सत्येंद्र स्नेही जी हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।